बस्ती है, यहाँ पर एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया है। आज सवेरे 10-11 घंटे से हमारे माधवी लता जी जिस तरह से जो संघर्ष किया जा रहा है यहाँ पर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। साथ ही साथ जिस तरह से जो भी यहाँ पर जो ये कांड किया है वो कहते वहाँ यहाँ का कॉर्पोरेटर कहता है वो पागल है, तो मैं वो कॉर्पोरेटर को कहना चाहता हूँ, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA को कहना चाहता हूँ, पागल है तो हमारे हवाले कर दो। वो पागल को हम क्या सजा देना है, क्या करना है, हमको अच्छी तरह से आता है। हम हिंदू ये इतना समझो, तुम हिंदू मर्यादा में हिंदू खाउट बैठा है, हिंदुओं को गोधरा कांड करने भी आता है। आपको पता है गोधरा कांड के बारे में, गोधरागढ़ 2002 याद दिलाना आता है हिंदुओं को। हमारी मंदिरों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, ये क्या बांग्लादेश समझ के बैठे, क्या फिलिस्तीन समझ के बैठे। मैं यहाँ के जो हैदराबाद पार्लियामेंट के OSC से कहना चाहता हूँ और यहाँ के MLA से कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में जिस तरह से जो ये कांड हुआ है, ये कांड तो हम जिस तरह से तुम्हारे को तुम्हारी भाषा में जवाब देते रहेंगे, आने वाले दिनों में ऐसा कांड होएगा तो याद रखो बेटा, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी भाषा में तुम्हारे को जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं तमाम मेरे तेलंगाना के हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज देखिए आज हमारी मंदिर को यहाँ पर तोड़ा गया है, तेलंगाना का पूरा हिंदू खामोश बैठा है। मैं वो हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, घर में बैठकर फोन में वीडियो बना देते हिंदू धर्म के कार्य नहीं होता मेरे भाई। आज आइए, सब मिलकर आइए, इन दुश्मनों को, इन गद्दारों को, इन सालों को इनकी भाषा में हमको जवाब देना होगा। और जो जिस तरह से हमारे सामने मंदिर दिख रही है, एक ऐसी भव्य मंदिर यहाँ पे बनाना होगा, सब मिलकर एक इतिहास याद रहना होगा इतिहास में। तो मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से जो पागल है बोल के कह रहे हैं, वो पागल को उसके ऊपर CBI इंक्वायरी लगना चाहिए और यहाँ के कॉर्पोरेटर के ऊपर भी CBI इंक्वायरी लगना चाहिए और जितने भी यहाँ पर सराउंडिंग जो CCTV कैमरे, पूरे CCTV कैमरों की डिटेल निकालना चाहिए। भाई सही कहा आपने, सब लोग मुस्लिम भी आपके साथ है, हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद बोल के मैसेजेस भी आ रहे हैं, मगर कुछ लोगों के इस तरीके के काम करने से जो कि बिल्कुल गलत है, सब लोग तो बदनाम नहीं होते। और ओवैसी का आपने बिल्कुल कहा यहाँ पर आना चाहिए, मगर वही अकबरुद्दीन ओवैसी है जिन्होंने लाल दरवाजा मंदिर के लिए फंड को रिलीज करवाया था और वहाँ के हिंदू भाइयों ने उन्हें दूध से उनके फोटो को निलाया भी था। अकबर को मैं पूछना चाहता हूँ, अकबर को पूछना चाहता हूँ, जब लाल दरवाजे को हरा दरवाजा बना दो बोला था, अकबर जब पागल हो गया था क्या, जब अकबर ओवैसी पागल हो गया था क्या, अकबर ओवैसी उसके बाप के पैसों से लगा के लेके आके नहीं बना रहा, असेंबली में से बिल पास हो रहा तो वो पैसे अकबर ओवैसी के जेब के पैसे लगा के जय बालो हनुमान की, जय बालो हनुमान के, राम लक्ष्मण जान की, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा आंधी आए, तूफान आए, सर तलवारों से कट जाए, यही बैठे हैं और यही बैठे रहेंगे, और जिस जिसको बैठना है वो बैठो, वीडियो मत निकालो। महेश भाई ముందుగా జనర్కేనా అమ్మ అన్న నా కొంచెం అమ్మ మళ్ళా మంచి వస్తారు మంచి వస్తారు పెద్ద భయం వస్తారు దాదా మీరు ఒకసారి వస్తుందో చెప్పండి అక్కడ వాళ్ళందరూ మైల్ రెడీగా ఉన్నారు అమ్మ దగ్గర వచ్చారు సలదాలకి ఇప్పుడు వెళ్ళాలి మంచి గుణపడ్డ మంచి పట్టు సలదా